हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे इन दिस सीरीज ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, इन लास्ट टू लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सिंपल पोजीशन ऑफ द लाइन, दैट इज लाइन पैरेलल टू बोथ इंक्लाइन टू वन पैरेलल टू अदर. टुडे आई एम टेकिंग द फिफ्थ केस, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द रेफरेंस प्लेन. दिस इज वन ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट लाइन एंड वन ऑफ द वेरी यूजफुल लाइन आई विल से. इफ वी गो फॉर दिस देन देर आर टू ऑप्शन आर पॉसिबल. Either the line will be perpendicular to HP or perpendicular to VP. You know, whenever a line is perpendicular to one plane, you know that automatically that will be parallel to the other. So this is also a case of parallel line. तो जैसे कि आप फिर देख पा रहे हैं कि आज मैं फिफ्थ केस ले रहा हूँ स्ट्रेट लाइन का, जब स्ट्रेट लाइन किसी एक रेफरेंस प्लेन से परपेंडिकुलर है. देखिए फिर से मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो लाइन HP के परपेंडिकुलर हो या फिर VP के परपेंडिकुलर हो. जब मैं परपेंडिकुलर बोलता हूँ तो जब ए लाइन एक प्लेन से परपेंडिकुलर होती है तो ऑटोमेटिकली दूसरे प्लेन से पैरेलल हो जाती है, जैसे कि पहला केस है. नाउ लुक एट दिस लाइन, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू HP, सो ऑटोमेटिकली इट विल बी पैरेलल टू VP. नाउ द फ्रंट व्यू विल बी अ लाइन शोइंग द ट्रू लेंथ, दैट इज दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ दिस लाइन एंड टॉप व्यू विल बी अ पॉइंट. सो वी कैन इजिली प्लॉट द फ्रंट व्यू एंड दैट विद द हेल्प ऑफ दैट फ्रंट व्यू वी कैन प्लॉट द टॉप व्यू एंड इन द टॉप व्यू बोथ द पॉइंट्स विल कॉइंसाइड विद ईच अदर. रिवर्स ऑफ दैट, दैट इज लाइन परपेंडिकुलर टू VP. अगर मैं इफ आई होल्ड इट लाइक दिस, नाउ दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द VP. नाउ द फ्रंट व्यू विल बी अ पॉइंट एंड टॉप व्यू विल बी अ लाइन अगेन शोइंग द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन. है ना, जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये पहला केस है जो लाइन HP के परपेंडिकुलर है. HP के परपेंडिकुलर तो क्योंकि VP के पैरेलल है, तो फ्रंट व्यू में लाइन ट्रू मिलेगी. और कैसे दिखेगी? XY के परपेंडिकुलर. टॉप व्यू में क्या दिखेगा? एक पॉइंट. रिवर्स, अगर लाइन परपेंडिकुलर टू VP है तो आपको मालूम है फ्रंट व्यू में एक पॉइंट दिखेगा एंड टॉप व्यू विल बी अगेन ए लाइन जिसकी लेंथ ट्रू होगी और वो XY के परपेंडिकुलर होगी. अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ, इफ़ आई वॉन्ट टू प्लॉट दिस, देन मे बी दिस विल बी लाइक दिस. द फर्स्ट केस, सो दिस इज द लाइन A' एंड B' and as this it is at some distance from the HP, so top view will be, this will be A and also B. Suppose this distance will be D, this distance will be H, and this will be the true length of the line. This is clear. So this is the line which is perpendicular to HP. Reverse case, when it is perpendicular to VP, if I want to plot that, so that will be like this. H, this is D, and this will be the. So this is the way to plot this line when the line will be perpendicular to one of the reference plane. है ना? So if you see in the first case, जब line perpendicular to HP है, जब मैं top से देखता हूँ तो मुझे कौन सा point visible होता है? A' A' विजिबल होता है, तो टॉप व्यू में मुझे A विजिबल होगा, B विजिबल नहीं होगा. तो चाहें तो हम इसको ऐसे ब्रैकेट में मेंशन कर दें, या कई बार लोग सिर्फ एक ही पॉइंट लिखते हैं, बट आप दोनों पॉइंट लिखिए. सो A विल बी विजिबल एंड B विल बी नॉट विजिबल. वाइस वर्सा इन द रिवर्स केस, व्हेन आई एम कीपिंग दिस लाइन परपेंडिकुलर टू द VP, नाउ दिस B एंड, इफ आई होल्ड इट लाइक दिस, दिस इज एंड A, दिस इज एंड B. B एंड विल बी टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, so that will be visible. So this B' is visible, A' is not visible. So in first angle, what is the concept? Whenever a line is perpendicular to one of the plane, one of its projection will be a line, sorry, one of its projection will be a point, and we will see that point which is away from the reference plane, because the thing which is away from the reference plane will be nearer to the observer, so that point will be visible. As in this case, A' will be away from the XY, it means that is away from the reference plane. So, away from the reference plane means nearer to the observer. Observer will be looking from the top.
so A will be visible. In the case of line perpendicular to VP, as this line is in this line, the, in the top view, the B will be away from the reference line. It means B will be away from the reference plane, so that is nearer to the observer, so that P dash will be visible. This is very important concept, and that will be useful when we study about the solids, section of solids, etc. So carefully understand this. फिर से एक बार समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी लाइन किसी प्लेन से परपेंडिकुलर होती है तो वो पॉइंट जो रेफरेंस प्लेन से दूर होता है वो एक्चुअली ऑब्जर्वर के नियर होता है, बिकॉज फर्स्ट एंगल में आप जानते हैं कि प्लेन और ऑब्जर्वर के मिड में ऑब्जेक्ट होता है. तो ऑब्जेक्ट का या लाइन का वो पॉइंट जो रेफरेंस प्लेन से दूर है वो आपके नियर है, तो वो आपको विजिबल होता है. तो अगर मैं फर्स्ट फिगर में देखूं, फ्रंट व्यू मैंने ड्रॉ कर लिया है, इसको ए डैश बोला है, इसको बी डैश बोला है. यहाँ पे ए डैश का डिस्टेंस एक्स वाई से दूर है, तो ए मुझे विजिबल होगा. इसका रिवर्स, जब मैं टॉप व्यू बना रहा था परपेंडिकुलर टू वी पी केस में, मैंने ए बी ड्रॉ किया है, बी का डिस्टेंस एक्स वाई से दूर है, तो दैट विल बी विजिबल. तो एक शायद कॉन्सेप्ट मिल रहा है. क्या कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि व्हेन ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द रेफरेंस प्लेन, इट्स प्रोजेक्शन ऑन दैट प्लेन विल बी अ पॉइंट नोन एज पॉइंट व्यू ऑफ अ लाइन. द पॉइंट which is away from reference line, है ना. मैं आपसे drawing में बात कर रहा हूँ, I am talking about the drawing. The point which is away from the reference line in one view will be visible in the other. क्या बोल रहा हूँ मैं, जो पॉइंट रेफरेंस लाइन से दूर होगा एक व्यू में, वो दूसरे में दिखेगा. तो अगर फ्रंट व्यू में लाइन दिख रही है और फ्रंट व्यू में ए डैश दूर है तो ए दिखेगा. यहाँ पे टॉप व्यू में लाइन दिख रही है, बिकॉज इन वन व्यू वी विल गेट द पॉइंट व्यू, द अदर व्यू विल बी ए लाइन ऑफ ट्रू लेंथ परपेंडिकुलर टू द रेफरेंस लाइन. तो ये देखिए ऐसे दिख रही. सो दिस इज द फिफ्थ केस ऑफ लाइन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट कैन बी यूज फर्दर इन द नेक्स्ट टॉपिक्स ऑल्सो. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, है ना. और ये हमारी लास्ट लाइन थी. तो मुझे लगता है पाँचों लाइन मैंने आपको तीन छोटे छोटे वीडियोज में बताई हैं, एक बार उनको रीड करिए. नेक्स्ट क्लास में अपन उनके कुछ कंक्लूजन्स फाइंड करते हैं. सो वी ऑलरेडी कम्प्लीटेड दिस लाइन इंक्लाइन टू वन प्लेन इन थ्री स्मॉल स्मॉल लिटिल वीडियोज, थ्री पार्ट्स. सो स्टडी ऑल द थ्री पार्ट्स. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट्स व्हाट यू जनरेटेड फ्रॉम द प्रॉब्लम. Okay, thank you very much.